इधर भी बर्फ और बीच में कीचड़ और ऊपर तो पूरी बर्फ है। देखो गाइज मेरे को तो एडवेंचर करने मजा आता है चाहे कैसे भी हो। फिर हे गाइज गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो अभी गाइज सुबह के 7 बज रहे हैं और फिलहाल अभी हम रेडी हो चुके हैं जाने के लिए फाइनली कैलाश। लास्ट व्लॉग में हम देखा होगा हम ओम पर्वत गए थे, तो आज हम जाएंगे कैलाश। तो फिलहाल रेडी हो गए, बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है वहाँ पर, इसलिए मैंने तो देखो मैंने स्वेटर भी डाली है, ऊपर से एक और जैकेट डाली है, ऊपर से एक और जैकेट, दो जैकेट, एक स्वेटर, अंदर से इनर भी है, बिकॉज वहाँ बर्फ ही बर्फ है, बहुत ठंड है वहाँ पर, माइनस में टेम्परेचर है, इसलिए पूरा पैक हो चुके हैं। इतना भारी भारी लग रहा है ना मुझे, बट कोई बात नहीं, ठंड से बच जाएंगे। कैलाश हम अपनी कैरावैन लेके नहीं जा रहे हैं, बिकॉज वहाँ का रास्ता बहुत खतरनाक है, कीचड़ है, तो ये गाड़ी फंस सकती है। सारे यहाँ पे गांव वाले सब यही बोल रहे हैं कि ये फंस सकती है, तो हम किसी और गाड़ी में जाएंगे जो कि है 4x4, क्योंकि हमारी कैरावैन ना 4x4 नहीं है। अगर ये 4x4 होते ना फिर ले आते, तो रिस्क लेना ठीक नहीं, अगर फंस गए ना तो वहाँ फंसे ही रह जाएंगे, बिकॉज वहाँ पे कोई आता भी नहीं है। तो हम जाएंगे इस गाड़ी में जो कि है बलेरो, ये 4x4 है, तो आज जाएंगे इसमें, आज इसमें नहीं जा पाएंगे यार कैरावैन में। लेकिन इसकी हालत देखो क्या हो गई है, ब्लैक किस एंगल से ब्लैक नहीं लग रही अभी। चलो रेडी है, अब निकलते हैं बलेरो लेके, चलाएंगे वो भी भाई पायलट अभी रहेंगे इसमें आज भी। तो भी गाइस हम निकल तो पड़े हैं कैलाश के लिए, देखते हैं कैसा रास्ता है, कितना खतरनाक रास्ता है। ये देखो गाइस बर्फ। तो भी गाइस सामने से जेसीबी आ गई है, तो निकल नहीं पा रही, हमारी गाड़ी भी नहीं निकल पा रही, जेसीबी भी नहीं। तो ये क्या कर रहे हैं, उसका टायर देखो कहाँ पे है, निकल जाएगी इतने में से, निकल जाएगी क्या, निकल गई फाइनली। ये खेत है सारे खेत, तो गाइस ये देखो कितना सुंदर लग रहा है, यहाँ पे खेत है, सामने बर्फ के पहाड़ और इधर भी, और यहाँ पे कोई, ये कोई गांव है, तो ये है इंडिया का लास्ट गांव। यहाँ रुक रहे हो थोड़ी देर, यहाँ नाश्ता करते हैं, यहाँ पे ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर निकलते हैं। तो पहुंचते ही ओली मिला हमको, ओलू। तो गाड़ी तो उधर खड़ी है लेकिन मैं उधर जा रहा हूँ, इतना सुंदर लग रहा है ना, अभी आपको दिखाता हूँ भाई साहब। मतलब हर जगह डिफरेंट टाइप की ब्यूटी है, यहाँ पे डिफरेंट है, कल जहाँ गए थे वो डिफरेंट था। ये वाला एरिया देखो कितना सुंदर लग रहा है, कितने प्यारे खेत लग रहे हैं, और ऊपर देखो बर्फ के पहाड़, उधर भी बर्फ के पहाड़, और ये है लास्ट विलेज ऑफ इंडिया कोटी। जितना कैमरे में सुंदर लग रहा है ना, रियल में उससे बहुत ज्यादा सुंदर है ये देखो। तो अभी रुके यहाँ पे ब्रेकफास्ट करने के लिए, बिकॉज सुबह से कुछ भी नहीं खाया, बस रेडी होके हम निकल गए थे, तो 2 घंटे से ड्राइव कर रहे हैं, तो भूख लग रही थी, तो यहाँ से आगे हमको कुछ मिलेगा नहीं, तो यहीं पे मिलेगा, तो खा लेते हैं, खा के चलते हैं आगे, 2 घंटे और आगे जाना है हमको कैलाश। और हाँ, रास्ता एक्चुअल में काफी खतरनाक था, तो हमारी कैरावैन नहीं आ पाती, बलेरो थी 4x4 थी, इसलिए आ पा रही है, आगे तो और भी खतरनाक रास्ता बता रहे हैं, तो हाँ सही है, हम अपनी कैरावैन नहीं ले तो फंस जाती यार। और यहाँ फंस गई ना, ये तो लास्ट विलेज है, यहाँ से आगे कुछ मिलेगा भी नहीं। लेकिन गाइस इतनी ठंड हो रही है यहाँ पे, मेरे होंठ फट गए, मेरा मुंह फट गया, पता नहीं वीडियो में दिख रहा होगा, लेकिन होंठ और मुंह तो ऐसे फट गया ना मेरे 2 दिन में इतनी ठंड में। तो चलो चलते हैं, अब देखते हैं क्या खाते हैं, क्या मिलता है वहाँ। जानते हो मुझे, जानते हो, यही रहते हो आप, क्या नाम है मेरा, सौरभ जोशी, हम जा रहे हैं कैलाश, आदि कैलाश। हाँ, अरे वाह, लास्ट विलेज में आके भी हमको सब्सक्राइबर मिल गया, क्या नाम है आपका, संदीप, संदीप, यही रहते हो जी। हम 2-3 दिन से यही आसपास ही घूम रहे हैं गांव में, मेरे कोई सब्सक्राइबर नहीं मिला, पहले सब्सक्राइबर मिले हैं, क्योंकि यहाँ नेटवर्क तो है नहीं, कोई देखता ही नहीं है। तो ये है यहाँ का रेस्टोरेंट जहाँ पे हम खाएंगे, यहाँ पे हमारे 2 दोस्त भी बन चुके हैं। अरे ये तो ओरियो की तरह छोटा छोटा, ब्लैक ओरियो, ये तो ये कह रहे मेरे को प्यार कर है। तो यहाँ बन रही है हमारी चाय, मतलब इन घरों को देख के ना एक वो आर्टिफिशियल वाला फील नहीं आ रहा ना, बिल्कुल नेचुरल, क्योंकि पत्थर से, जो पत्थर यहाँ निकलता ना, हाँ पत्थर से बने हुए, देखो पत्थर से। तो ये देखो इस गांव में तो 2 धारे भी हैं, देखो यहाँ से नेचुरल पानी आ रहा है, एकदम हिमालय का पानी, मेरा गला मेरा पेट सब शुद्ध हो गया। तो ब्रेकफास्ट करते हैं, यहाँ पे है मैगी रोटी, तो भैया ब्रेकफास्ट भी हो चुका है, फिलहाल अभी चाय पी रहे हैं, तो हाँ आप निकलेंगे आगे कैलाश के लिए। ये देखो पूरी बर्फ जमी हुई है यहाँ पे, ये देखो पूरी बर्फ जमी हुई है, तो ये ग्लेशियर पूरे ऊपर से नीचे आते हैं, यहाँ पे ब्रिज बना हुआ है बर्फ का ब्रिज, नीचे से नदी जा रही है। आप लोग ऊपर बैठे हो, अरे मेरे को तो पता ही नहीं था हमारी गाड़ी के ऊपर लोग बैठे हैं, मुझे पता ही नहीं था। आपको डर नहीं लग रहा क्या, डर नहीं लग रहा, इतनी खतरनाक रोड है। तो यहाँ पे देखो गाइस खतरनाक कीचड़ कीचड़ है, हमारी गाड़ी में 7-8 लोग जा रहे हैं, हम आए तो 3 लोग थे। आ गई आ गई आ गई आ गई आ गई आ गई, ओ भाई आ गई आ गई आ गई आ गई। और ये देखो ग्लेशियर, पूरी बर्फ ही बर्फ है यहाँ पे। अरे रुको मैं भी आ रहा हूँ, रुको भाई रुको। तो फिर से कीचड़ वाला रास्ता आ गया, ये देखो ले आओ ले आओ, आ गई आ गई। गाइस मैं तो फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ बलेरो को ऑफ रोडिंग करते हुए, इतनी खतरनाक हो गई, और यहाँ सांस लेने में दिक्कत हो रही है, बिकॉज ऑक्सीजन कम है, हम काफी ऊपर आ गए ना। तो अभी गाइस मैं भी बलेरो के ऊपर बैठता हूँ, ऊपर से देखते हैं कैसा लगता है। मैं कभी गाड़ी के ऊपर बैठ के ना, कभी मैंने ट्रैवल नहीं किया, तो फर्स्ट टाइम करेंगे, तो देखते हैं कैसा रहता है।
चलो गिरूंगा तो पकड़ लेना। इधर भी बर्फ और बीच में कीचड़ और ऊपर तो पूरी बर्फ है। देखो गाइस मेरे को तो एडवेंचर करने मजा आता है चाहे कैसे भी हो, फिर चाहे बलेरो में चाहे ऊपर बैठ के। अरे हाँ मेरे को इस तरह की रोड में आना था कि इधर भी बर्फ हो बीच में खाली, लेकिन बर्फ गिर सकती है ना नीचे। वाटर क्रॉसिंग भी आ गई यहाँ पे तो, लेकिन एक चीज खराब है, पूरे बाल खराब हो गए मेरे धूल धूल से, बाल और पूरे कपड़े सब मुंह में सब खराब हो गए, पूरी मिट्टी चली गई है और मेरे हाथ देखो मिट्टी से। लेकिन पीछे व्यू देखो कितना मस्त है। ओ भाई ये बर्फ गिर रही है, अरे बर्फ गिर रही है। फाइनली गाइस पहुंच चुके हैं और पहुंचते ही देखो यहाँ बर्फ गिरनी स्टार्ट हो गई है। भाई कितना प्यारा लग रहा है, भाई हल्द्वानी में इतनी गर्मी हो रही है और यहाँ बर्फ गिर रही है, मजा आ गया। और ये जो बर्फ है ना ये बिल्कुल सॉफ्ट है, देखो मैं पैर डाल के दिखाता हूँ आपको, बिल्कुल सॉफ्ट बर्फ है ये देखो, पूरा पैर घुस जा रहा है अंदर। सारी चीजें बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल हो रही हैं। हमारा ब्लेरो में जाने का प्लान नहीं था, ऊपर बैठने का प्लान नहीं था, इवन बर्फ का तो कि बर्फ देखने को मिलेगी हमको, वो भी स्नोफॉल होते हुए। तो अभी आपको दिखाऊंगा मेन कैलाश पर्वत जहाँ पे भगवान शिव जी रहते हैं। आप तो मैच कर रहे हो बर्फ से वाइट वाइट। भगवान शिव जी का बुलावा है इसलिए हम यहाँ पे आ पाए, अदरवाइज रास्ते में कहीं भी इतने खतरनाक रास्ते से गाड़ी खराब हो सकती, कुछ भी हो सकता था, उनका बुलावा था इसलिए हम यहाँ तक पहुँच पाए। ड्राइविंग तो आपकी तगड़ी थी जो आपने कीचड़ से निकाली ना, कितना खतरनाक कीचड़ था, लेकिन साहिल और पीयूष ने मिस कर दिया। तो गाइस गाड़ी यहीं तक लाना अलाउ है, इससे आगे हम गाड़ी नहीं ले सकते, यहाँ से हमको आगे ट्रैक करके जाना पड़ेगा 1-2 किलोमीटर, तो वहां से दिखेगा पूरा कैलाश पर्वत। तो चलो अब ट्रैक करके चलते हैं, तो ट्रैकिंग भी हो जाएगी, मजा आएगा। तो अब हमको जाना है इस पुल से। तो अभी गाइस कैलाश पर्वत के लिए ट्रैकिंग स्टार्ट हो चुकी है, तो ये रास्ता है यहाँ से जा रहे हैं, बाकी 3 जने आगे हैं। गाइस हम सिर्फ वहां से यहाँ आए हैं अभी तक, इतने में सांस फूल गई, यहाँ ऑक्सीजन कम है ना, सांस लेने में दिक्कत हो रही है। अभी मैंने जैकेट भी उतार दी है बिकॉज वैसे सांस लेने में दिक्कत हो रही है और सफोकेशन हो रहा है उससे, टाइट टाइट सा लग रहा है और गर्मी से भी लग रही है। इतनी मस्त मस्त लोकेशन है, मैं ड्रोन पता क्यों नहीं उड़ा रहा, क्योंकि हम चाइना इंडिया बॉर्डर पे, चाइना बॉर्डर पे हैं, सीधा गोली मारेंगे ड्रोन को भी और मेरे को भी उठा के ले जाएंगे। अगर ड्रोन दिख भी गया तो ड्रोन में लेके भी नहीं आया पता। अभी और कहाँ जाना है और कितना चलाओगे? कृपया फूलों को ना सूंघें, आप बीमारी से ग्रस्त हो सकते हैं। ये पता नहीं क्या कर रहे हैं, बर्फ में लेट रखे हैं। तो अभी यहाँ पे पिया जा रहा है जूस। तो अभी गाइस मैंने शूज उतार दिए हैं, अब चलते हैं बर्फ में, डर लग रहा है। गया गया भाई, पैर सुन हो गए मेरे। तो अभी गाइस बॉबी भैया ने एक चैलेंज दिया है कि अपना सिर बर्फ में डाल के दिखा, पूरा सिर, पूरा सर डाल दिया भैया। ओ भाई तो चलो गाइस ट्रैकिंग कंटिन्यू रखते हैं अपनी, थोड़ी देर यहाँ रुके जूस पिया। भाई हम चलते चलते कहाँ से कहाँ आ गए, बिल्कुल टॉप पे आ गए और हमारे पीछे है कैलाश पर्वत, लेकिन वो दिख नहीं रहा बिकॉज फॉग है ना। ओ वाओ बहुत प्यारा यार। तो सामने है मंदिर, तो सामने आपको दिख रहा होगा कुंड जिसका नाम है पार्वती सरोवर। तो गाइस ये है पार्वती सरोवर। जय भोलेनाथ। गाइस बहुत ही बड़ा कुंड है यार, तो वो भी पहाड़ के ऊपर। नमः शिवाय, हर हर भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। गाइस यहाँ पहुँच के ना अलग ही फील आ रही है, एकदम पॉजिटिव पॉजिटिव, एकदम शांति सुकून सा, इतना मस्त सा लग रहा है ना। वो जो सामने वाला पर्वत है ना वो है कैलाश पर्वत, वहाँ पे ना अभी फॉग हो रहा है तो दिख नहीं रहा यार, नहीं तो पूरा शिवलिंग दिखता आपको वहाँ पे। वो बैटरी भी खत्म होने वाली, सिर्फ 9% बैटरी रहेगी। सही टाइम पे उठाया।
लेकिन जो ये ट्रिप था ना, ये बेस्ट ट्रिप ऑफ माई लाइफ था अभी तक का। गाइस ठंड बढ़ चुकी है, अब जल्दी चलते हैं वापस नीचे, थोड़ी देर में और ज्यादा ठंड हो जाएगी यहाँ पे, रात को तो रह नहीं सकते। बर्फ गिरने वाली है, जल्दी चलो, बर्फ गिरने वाली है। यहाँ ना पेड़ नहीं होते, दूर दूर तक कहीं भी आपको एक भी पेड़ नहीं दिखेगा, इसलिए यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी है, इसलिए सांस लेने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। लेकिन फाइनली हम पहुंच चुके हैं नीचे, तो यहाँ कुछ खाएंगे। तो गाइस देखो यहाँ पे न्यू घर बन रहा है, न्यू होटल, और देखो किस तरह से बना रहे हैं, पत्थर से, ये देखो पत्थर तोड़ तोड़ के। यहाँ तो गाइस इसी तरह से घर बनते हैं, इसी तरह से सारे होटल रेस्टोरेंट सब इसी तरह से बनते हैं, पत्थर हो गए। और ये देखो मेरे पीछे ये इग्लू है। भैया क्या बनाया आपने? दाल चावल बनाया ना, दाल चावल, तो मस्त चावल खाएंगे। चलो अपन दाल चावल तो आ गया, तो भी गाइस खाना भी हो चुका है, मस्त दाल चावल हो रहा था, सही पेट भर गया। अब चलते हैं सीधा, अब यहाँ से जाएंगे बलेरो में कैरावैन तक, तो चलो बलेरो लेके चलते हैं वापस। लेकिन यहाँ पे देखो रास्ता कितना खतरनाक है भाई, कितना कीचड़ी कीचड़ है। निकल गई निकल गई निकल गई निकल गई। फाइनली पहुंच गए गाइस, 3 घंटे लग गए। अब जाऊंगा इसके अंदर वॉशरूम, 3 घंटे से दबा के बैठा हूँ मैं, शाम के 5 बज गए यार। तो फाइनली गाइस कैरावैन में पहुंच चुका हूँ, अपना काम भी कर लिया मैंने, और इतना सुकून मिल रहा है यहाँ, कैसा लगा घर पहुंच गया लिटरली, और पैर भी सीधे हो चुके हैं। बलेरो में ना भाई 3 घंटे ऑफ रोडिंग कर करके, 3 घंटे क्या 3 घंटे गए थे, 3 घंटे 6 घंटे भाई पूरी बॉडी ऐसी हिल गई ना, अब देखना फुल पेन होगा पूरी बॉडी में। तो अभी शाम के 5:30 बज चुके हैं, तो आई डोंट थिंक कि अब हम निकल पाएंगे हल्द्वानी के लिए, बिकॉज बहुत खतरनाक रास्ता है, तो रात को करना बिल्कुल भी ठीक नहीं, तो हम शायद कल सुबह ही निकलेंगे। चलो जो भी है, फिलहाल मैं इस व्लॉग को एंड करता हूँ, बिकॉज अभी थोड़ा बहुत कुछ खाएंगे पिएंगे, मैं तो सोऊंगा, बिकॉज बहुत बहुत थक गया हूँ, बिकॉज ट्रैकिंग भी किया है, ऑफ रोडिंग भी किया। तो आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कर देना, एंड चैनल पर नए सब्सक्राइब कर देना, एंड बताना कमेंट करके कैसा लगा आपको व्लॉग, और कैसा लगा मेरे को तो बहुत बहुत मजा आया आज। तो मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। जय भोले बाबा, पधारेंगे दोबारा ही, होपफुली फैमिली के साथ पधारेंगे।